और बड़ी खबर आ रही है जहां पीएमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट को चुनौती दी है। पीएमएलए कोर्ट ने बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति रद्द कर दी थी। आपको बता दें कि उनके याचिका को खारिज कर दिया गया था। पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज किया था, जिसे चुनौती दी गई है हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की तरफ से। और फोन लाइन पे दीपक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए हेमंत सोरेन ने जो याचिका दायर की थी बजट सत्र में शामिल होने को लेकर, उसे खारिज कर दिया गया। अब उसे चुनौती दिया गया है कोर्ट में हेमंत सोरेन की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और बजट सत्र में भाग लेने के लिए पीएमएलए की विशेष अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने याचिका दायर कर अनुमति मांगी थी, जिस पर कल यानी कि बुधवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात पीएमएलए की विशेष अदालत ने फैसला को सुरक्षित रख लिया था और आज फैसले के बिंदु पर सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया, तो इसके बाद ही यह स्पष्ट हो गया कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के बजट सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे। लेकिन जैसे ही यह आदेश पारित हुआ पीएमएलए की विशेष अदालत से, उसके बाद उस आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अब झारखंड हाईकोर्ट में जब चुनौती दी है तो अभी तक किस तिथि को सुनवाई होगी या अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन संभवतः कल हो सकता है कि झारखंड हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होगी और सुनवाई के पश्चात अब आगे क्या होता है इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जी बिल्कुल इंतजार करना होगा कि अब इस पे सुनवाई कब होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है, बजट सत्र में शामिल होने को लेकर उन्होंने अनुमति मांगी थी जिसकी अनुमति नहीं दी गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।